वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपका जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक समस्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप आर्थिक समस्या क्या है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब असीमित उद्देश्यों की पूर्ति हमें सीमित साधनों द्वारा करनी पड़ती है तब आर्थिक समस्या जन्म लेती है। ठीक है, आपको पता है हमारा पास जो संसाधन है उपस्थित है वो क्या है, सीमित है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित है। ठीक है, हमारी आवश्यकता इच्छाएं असीमित है, तो इन असीमित उद्देश्यों की पूर्ति को हमें क्या करना पड़ता है, सीमित साधनों द्वारा ही पूर्ति करना पड़ता है असीमित उद्देश्यों का, तभी क्या होती है, आर्थिक समस्या जन्म लेती है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो देखिए आर्थिक समस्या के निम्नलिखित कारण है, आर्थिक समस्या के उत्पन्न के निम्नलिखित कारण है। जो फर्स्ट कारण है वो है असीमित आवश्यकताएं। मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, पहले ही जैसे कि बताया गया है मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। ठीक है, मानवों की आवश्यकता असीमित है, एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद तुरंत एक नई आवश्यकता जन्म लेती है, कुछ आवश्यकताएं तो पूरा होने के बाद कुछ समय अंतराल के बाद फिर से पैदा हो जाती है। ठीक है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है फिर भी उसके बाद फिर लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं हुआ, फिर एक बार उसकी आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसे आपने मान लीजिए कोई मोबाइल ख़रीदा है, कुछ दिन बाद अगर एक नया मॉडल आता है तो आपको लगता है ये मॉडल पहले वाले से बेहतर है, तो ये भी एक असीमित आवश्यकता ही हुई और ये भी आपको एक इच्छा जागृत हुई जो कि आपके लिए और एक आवश्यकता का जन्म हुआ। सीमित संसाधन, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो सीमित अथवा दुर्लभ है। ठीक है, साधनों का सीमित होना, हमारे पास सीमित साधन है उसी से हमें असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिस कारण भी ये समस्या उत्पन्न होती है। जो साधन है वो क्या है, सीमित और दुर्लभ है। तीसरा, आवश्यकताओं को की तीव्रताओं में अंतर। ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर पाई जाती है, जैसे भूख प्यास दवाइयाँ आदि जरूरतों की पूर्ति तुरंत करनी पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर, कोई चीज़ों की इच्छा आवश्यकता हमारे मन में कई जल्दी आती है और कई कई चीज़ों को हम बोलते बात के लिए टाल सकते हैं, लेकिन जैसे देखिए भूख प्यास दवाई, ठीक है, इसकी ज़रूरत को हमको तुरंत पूरा करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी की ज़रूरत हो तो हम उसे कुछ महीनों बाद भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुर्सी की ज़रूरत है आपको और वो उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप उसको एक महीने कुछ महीने के लिए उस आवश्यकता को क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। कुछ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे दूध को बच्चों के पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, पनीर मिठाई आदि के वैकल्पिक प्रयोगों में लाया जा सकता है। ठीक है, कुछ साधनों का हम लोग क्या करते हैं, वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, यानी एक से ज़्यादा उपयोग। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे दूध का, दूध को हम लोग ऐसे भी पीते हैं, चाय बना के पीते हैं, पनीर बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो रहा है। ये था आपके चार पॉइंट, आर्थिक की समस्या और आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको और लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।